इन पांच तरीकों से आप अपने ओवरथिंकिंग की आदत को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला, आपको उन स्थितियों का पता लगाने की जरूरत है जहां आप खुद पर संदेह करते हैं। ऐसे में आप स्वयं का विश्लेषण कीजिए और उन स्थितियों में बार बार स्वयं को रखिए। अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स को पहचानिए कि क्या वो आपका सीमित विश्वास है या फिर उदास और गहरे विचार है जो आपके दिमाग में लगातार घूम रहे हैं। दूसरा, आपके दिमाग में कौन सी कहानी है उसका पता लगाइए, क्योंकि ओवरथिंकिंग की शुरुआत ही उन काल्पनिक कहानियों से होती है जो हम स्वयं को बता रहे होते हैं। फिलहाल सवाल यह है कि क्या आपकी कहानी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है या फिर आपको पीछे खींच रही है। याद रहे, जो कहानी हम अपने बारे में अपने आप को बताते हैं उसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। ऐसे में अपनी कहानी बदलिए और जिंदगी स्वयं बदल जाएगी। तीसरा, कुछ ना कुछ करते रहिए। यह तो सब जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपका दिमाग व्यस्त रहेगा तो ओवरथिंकिंग करने का समय आपको मिल ही नहीं पाएगा। अपने आप को प्रोडक्टिव काम में इंगेज रखिए और अपने दिमाग में आने वाले विचारों को एक पन्ने पर जरूर लिखिए। चौथा, अपने अतीत को भूलकर हर चीज के बारे में अधिक सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ओवरथिंकर्स अपना ज्यादातर ध्यान अपने अतीत पर केंद्रित करते हैं और अपनी ऊर्जा यह सोचने में लगाते हैं कि अगर ऐसा किए होते तो क्या होता, अगर वैसा किए होते तो क्या होता। जो लोग यह समझते हैं कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, वो सबसे पहले अपने अतीत को भुलाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता रहता है कि यह बदला नहीं जा सकता है। पांचवा, सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो अभी इसी वक्त है। अगर आप ज्यादातर वक्त ओवरथिंकिंग में खराब कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने काम को पूरा करने के लिए एक पर्सनल डेडलाइन निर्धारित करना चाहिए और उस काम को हर कीमत में उस निर्धारित डेडलाइन के अंदर खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब आपका डेडलाइन टाइट होगा तो आपको ओवरथिंकिंग का वक्त ही नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद और नमस्कार।